हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 1 नवंबर 2021, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन सोमवार मंडे। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों खाने के तेल को लेकर सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा, क्या पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं इस दिवाली अगर आप भी बाहर से मिठाइयां वगैरह खरीदते हो ना, तो आपके लिए एक जरूरी चेतावनी आ रही है, वो भी जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए एक कॉन्टेस्ट यानी कि प्रतियोगिता भी निकाली गई है, अगर आप भी उसमें हिस्सा लेते हैं और विन करते हैं तो आप सरकार की तरफ से फ्री में इनाम पा सकते हैं, क्या है ये पूरी योजना जानेंगे। वहीं दोस्तों आज 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। धनतेरस पर सोना खरीदना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, कुछ ऑफर्स वगैरह की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। वहीं मौसम विभाग की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया, आज भी कई राज्यों में बादल बरसने यानी कि बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, वो भी जानेंगे। वहीं इंडियन रेलवे की तरफ से भी टिकट बुकिंग में एक नियम में बड़ा अपडेट और बदलाव निकल कर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी इम्पोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। कल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संदेश दिया कि हम सभी एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के मन में बसते हैं। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए देशवासियों को ये मैसेज दिया। वहीं आपको बता दूं आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप इटली दौरे पर हैं और वहां से लौटते ही 3 नवंबर को 40 जिलों के DM से PM मोदी संवाद करेंगे, वैक्सीनेशन पर सवाल भी करेंगे। त्योहारों पर कोरोना की तीसरी लहर की चिंता को देखते हुए सरकार ने खास प्लान बनाया कि आखिर इन 40 जिलों में लोगों को कम वैक्सीन क्यों लगी। कम टीकाकरण वाले जिलों में 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने जा रही है और उसमें सभी जिला अधीक्षक शामिल होंगे। वहीं देखिए घर घर वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होने जा रहा है। झारखंड समेत देश के अधिकतर राज्यों में जहां कम टीकाकरण लगा हुआ ना, वहां पर 3 नवंबर से ही घर घर टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत करेंगे PM मोदी। और इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घर घर जाकर उनको मोटिवेट करेंगे और वैक्सीन लगाएंगे। जिस तरह से पहले पोलियो वगैरह के लिए पिलाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह घर पर आती थी ना, ठीक वैसे ही। वहीं देखिए एक बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट कि पिछले साल 2020 में हर दिन 31 बच्चों ने खुदकुशी की यानी आत्महत्या की। विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड के दौरान बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी बढ़ी है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश में ये बड़ी ही दयनीय हालात और स्थिति चल रही है कि रोज 31 बच्चे अगर खुद की जान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स ने कई कारण भी बताए। 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने जो अपनी खुद की जान ली उनमें कुछ पारिवारिक समस्याएं शामिल थी, कुछ बेरोजगारी, दिवालियापन, नपुंसकता, मादक पदार्थों का सेवन, नशा पता करना वगैरह वगैरह। तो प्लीज पेरेंट्स, माता पिता लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चे बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और कभी कभी समय निकाल कर उनके साथ बैठकर उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करें, यानी कि आप अपने बच्चों को जिंदगी की गहराई समझाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना कि सुसाइड करने वाले को कमजोर दिल का नहीं मानना चाहिए, मानसिक परेशानी को अपनी तरह डील करता है इंसान। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसे मामले पर फैसला देते हुए कल ही कहा कि कोई आत्महत्या करने वाला इंसान कमजोर दिल का नहीं होता है। कहने का मतलब हर एक की जिंदगी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और वो अपनी परिस्थितियों से अलग अलग तरीके से डील करता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब आपको घर बैठे ही डीजल मिल जाएगा। इंडियन ऑयल ने डीजल की होम डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी है। इंडियन ऑयल के हमसफर ऐप के जरिए आप डीजल को ऑनलाइन घर बैठे ही बाय कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे। IOC यानी कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से ये फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। अच्छा, फिलहाल ये सुविधा राजधानी दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में तो शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी स्टेट्स में अवेलेबल हो जाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, क्लाइमेट चेंज निगरानी की तैयारी में है इसरो और NASA, ये मिलकर एक संयुक्त प्रोजेक्ट भी अंजाम देने जा रहे हैं। भारत लॉन्च करेगा विश्व का सबसे बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। साल 2023 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा और दोस्तों जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए भारत इस प्लानिंग के साथ एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हम सभी की तरफ से इसरो को बेस्ट ऑफ लक इस नए प्रोजेक्ट के लिए। अगली बड़ी खबर देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 18 दिन बाद एम्स से छुट्टी मिल चुकी है। बुखार और कमजोरी की वजह से इनको हॉस्पिटल भर्ती किया गया था लेकिन अब इनको वापस घर ले आया गया, छुट्टी हो चुकी है। वही देखिए आजादी का अमृत महोत्सव के मौके पर PM मोदी ने एक कॉन्टेस्ट निकाला देशवासियों के लिए।
लिए कि रंगोली बनाओ, पीएम मोदी से इनाम पाओ, देशभक्ति गाने लिखने पर भी आपको प्राइज मिल सकता है। अगर आपको भी कलाकारी का, आर्ट का अच्छा शौक है, अगर आप अच्छी रंगोली बना सकते हैं तो आपकी रंगोली अगर कॉन्टेस्ट में सरकार को, लोगों को पसंद आ जाती है तो आपको इनाम मिल सकता है, और आप बहुत अच्छा लोरी लिखते हैं तो भी आपको इनाम मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप देशभक्ति गाना लिखते हैं और इसके कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो भी आपको इनाम मिल सकता है। ये इनाम ऑफिशियली केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार की तरफ से निकाले गए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ये कॉन्टेस्ट आज से ही शुरू हो चुका है। इनके कुछ और डिटेल्स आप स्क्रीन पर फोटोज में देख सकते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है www.amritmahotsav.nic.in पर जाकर आप रजिस्टर्ड करके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, प्रदर्शन वाली जगह खाली कराए तो पीएम आवास में मनाएंगे दिवाली। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाए जाने से नाराज किसान भाई लोगों ने सरकार को चेतावनी जारी की है। किसानों का ये कहना है, राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया कि अगर किसानों के साथ जबरदस्ती हुई तो किसान थानों और कलेक्ट्रेट में टेंट लगाएंगे। वहीं बड़ी खबर देखिए, इस त्योहारी सीजन में अगर आप भी बाजार से लाकर मिठाइयां घर पर खाते हो ना, तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मामला देखा गया। एमपी के इंदौर में नाले के किनारे तैयार हो रही थी मिठाइयां, जब खाद्य विभाग की टीम ने मच्छर और कीड़े मिली 8 क्विंटल मिठाई जब्त की। मतलब देखिए, त्योहारी सीजन में लोग बागों की स्वास्थ्य हेल्थ के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा। बाजार में मिठाइयां बनाने वाले अधिकतर लोग मतलब इस तरह की घटिया मिठाइयां बनाते हैं ना, वो तेल और खाने की चीजों के दूसरे आइटम इस तरह के बेकार आइटम काम में लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला मैदा वगैरह भी इतना मतलब बेकार होता है जिसमें आपको लटने वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मिठाइयों वाले ऐसे होते हैं, लेकिन सभी के बीच में आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो आपके स्वास्थ्य और हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बेस्ट और बढ़िया ऑप्शन यही है दोस्तों कि मिठाइयां कभी भी लाओ ना, तो बनी बुनाई मिठाइयां बाजार से कभी मत लाओ। इससे बढ़िया तो आप घी ले आओ, शक्कर ले आओ, मैदा ले आओ, घर पे आके बना लो ना आराम से, क्या दिक्कत है। मतलब कच्चा माल बाजार से ले आओ और फिर घर पर आराम से खुद ताजी बनी मिठाइयां अपने हाथों से बनी हुई खाओ ना, क्या दिक्कत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे बनानी, क्या करनी यार, डीएलएस भाई हमको तो बनाना नहीं आता, फिर क्या करें। चाहे दोस्तों आप गुलाब जामुन, काजू कतली, मक्खन बड़ा, जलेबी, कुछ भी बनाना चाहते हो, सब कुछ के वीडियोस आजकल आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर मिल जाएंगे। सबके घर में मोबाइल है, इंटरनेट तो ही है, तो वीडियो देखो, इस बार ट्राई करो कुछ स्पेशल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान है कि उत्तराखंड में बनेगा 7वां धाम। घंटाकर्ण देवता मंदिर को 7वां धाम घोषित करने जा रही है उत्तराखंड सरकार। वहीं देखिए, इस सरकारी कंपनी ने ऐलान कर दिया कि अपने एम्प्लॉय के लिए दिवाली बोनस देने जा रही। हर कर्मचारी को 28,000 रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे और सैलरी भी बढ़ेगी। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया और इस कंपनी के तकरीबन 6,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में बुलेट ट्रेन भी शुरू होने जा रही है। दिल्ली अहमदाबाद रूट पर राज्य के 7 जिलों से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। 9 स्टेशन बनाए जाएंगे और इससे टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना कि अभी नहीं मिलेंगे 5 लाख रुपए। इसके पीछे वजह भी है। दरअसल पीएमसी बैंक के ग्राहकों को पहले चरण में 5 लाख रुपए का बीमा कवर नहीं मिलेगा। हाल ही में जो ये पीएमसी बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और उसके बाद आरबीआई ने जो इस पर एक्शन लिया ना, तो ऐसे में अगर आपका भी इस बैंक में पैसा जमा तो एक साथ आपको फर्स्ट चरण में 5 लाख रुपए तक नहीं मिलेंगे, बल्कि इस भुगतान अवधि को 90 दिनों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, डिटेल ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कारण वगैरह। वहीं खबर देखिए, 15 नवंबर को 37 जिलों के 63 प्रखंडों पर 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा। बिहार पंचायत इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर है, कुल 27,730 सीटों पर तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 36 जिलों के 55 प्रखंड में ये चुनाव होगा टोटल ऑल ओवर। तो जब भी इस इलेक्शन के नतीजे वगैरह आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अच्छा, वहीं देखिए, इस बार दिवाली पर अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां चल रही है। दीपोत्सव के दिन अयोध्या में एक विजन रखा जाएगा 2047, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, राइट। और आजादी के 100वें साल पर अयोध्या को और भी भव्य और दिव्य और आकर्षक का केंद्र बना दिया जाएगा। और वो साल रखा गया, तय किया गया लक्ष्य के रूप में 2047 का, यानी कि अभी क्या चल रहा है 2021, लगभग 26 साल आगे का अयोध्या का एक विजन तैयार किया गया है। तब तक तो भगवान श्री राम जी का मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इस विजन का मकसद रखा गया कि 25,000 करोड़ के 325 प्रोजेक्ट से राम नगरी को हेरिटेज और स्मार्ट बनाया जाएगा। और अयोध्या में दीपोत्सव वगैरह का माहौल क्या चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था जानकारी। वहीं बड़ी खबर देखिए, एलोन मस्क की संपत्ति $300 अरब तक पहुंच चुकी है और ऐसा रिकॉर्ड
तोड़ने वाले ये दुनिया के पहले शख्स बन चुके हैं, यानी कि दुनिया का कोई एकमात्र व्यक्ति जिसके पर्सनल नेटवर्थ 300 अरब डॉलर तक है, वो है टेस्ला कंपनी के चीफ एलोन मस्क। वहीं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अभी अमेजोन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर स्थल पर चढ़ाया गंगा और काबुल नदी का जल। अयोध्या में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा और आज हमें गंगा जल के साथ काबुल नदी से आए जल को समर्पित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। दरअसल दोस्तों, ये काबुल नदी का जल अफगानिस्तान की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए ही भेजा था, तो उसको योगी जी ने चढ़वा दिया है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी 2 रुपए और महंगी हो गई, लगातार दूसरे महीने भी महंगाई की मार पड़ी है। दरअसल खबर आ रही दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेटों के बीच यूपी में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी, प्रति केजी तक की बढ़ोतरी जो है वो यहां पर देखने को मिली है इस बार नवंबर में भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक और बड़ी घोषणा देखिए कि 6 लाख बाढ़ प्रभावित किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने 208 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी जारी कर दिया, ताकि जो भी बाढ़ में प्रभावित किसान भाई लोग हैं उनको सरकार प्रॉपर मदद मुहैया उपलब्ध करा सके, उनको मुआवजा वगैरह मिल सके, ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। तो इसके लिए कल ही योगी सरकार ने 208 करोड़ रुपए का अलग से फंड भी निकाल दिया। वहीं देखिए, इलेक्शन पर और एक अपडेट आ रहा है कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग की तरफ से। दरअसल तेलंगाना राज्य की 6 और आंध्र प्रदेश की 3 विधानसभा परिषद सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा भी हो गई है। केरल और पश्चिम बंगाल की जो खाली हुई राज्यसभा सीटें हैं उन पर 29 नवंबर को उपचुनाव होंगे, और भी चुनाव आयोग की शेड्यूल डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों ने अब ऐसा तरीका भी खोज निकाला टीकाकरण का, नया टेक्निक जिसमें चुभन का एहसास भी नहीं होगा, यानी कि टीका जब आपको लगाया जाएगा ना तब आपको दर्द नहीं होगा। साइंस एडवांस नामक पत्रिका में कल ही ये शोध प्रकाशित हुआ। वहीं देखिए दोस्तों, 1 नवंबर से बदल जाएंगे एलपीजी और बैंक खाते से जुड़े 4 नियम, आपके रुपये पैसों पर भी खर्च बढ़ेगा और बड़ा असर देखने को मिलेगा। दरअसल आज से ही नए महीने की शुरुआत से ही हमारे देश में कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। इनकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कल भी डीएलएस न्यूज के टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट वीडियो में बताई थी, राइट। और मैंने आपको ये भी कहा था दोस्तों कि इन नए नियमों का वीडियो का कंप्लेंस वीडियो जो है ना, मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से बना करके बता दिया, यानी कि 1 नवंबर से हमारे देश में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं इसका सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आपको मैं यहां पर एक एक रूल्स डिटेल में बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। कई सारे रूल्स हैं जिसमें व्हाट्सएप को लेकर भी अपडेट है, गैस सिलेंडर की प्राइस वगैरह को लेकर भी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक नया नियम लागू करने जा रहा है, SBI भी एक नई सुविधा देने जा रहा, तो इन रूल्स को आप डिटेल्स में इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए, यूपी में कल ही गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी देंगे। तो ये तो कुछ राजनीतिक वादे चल रहे हैं। वहीं एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब 4787 पदों पर प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती शुरू होने जा रही है। बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट भी आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स। आपके हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी रिसर्च देखिए, सोना बहुत जरूरी है, अगर आप कम सोते हो ना तो अगले दिन आपकी चाल ढाल ये बता देती है कि रात को 8 घंटे नींद नहीं आई, और इससे हार्ट से संबंधित कई सारे रोग होने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ तक कि नींद की कमी आपके दिमाग पर भी दुष्प्रभाव डालती है। नींद की कमी पर आए दिन कई नई नई रिसर्च सामने आती रहती है, और मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर भी बताता रहता हूँ, राइट। आपको बता दूं, विशेषज्ञों के मुताबिक एक वयस्क के लिए एक दिन में हमेशा 24 घंटों में 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 9 से 12 घंटे तक की नींद चाहिए होती है, और टीनएजर्स के लिए 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी होती है। वहीं अगर आपको नींद नहीं आती है दोस्तों, तो सोने से पहले आप 10 मिनट कसरत करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, इससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। कॉफी और अल्कोहल वगैरह कम पिए। सर्दियों में एक रिसर्च और देखिए, आप स्ट्रोक और हार्ट अटैक को अगर आप कम करना चाहते हैं इस खतरे को, तो 20 मिनट धूप लें, भोजन में 30% प्रोटीन और रोजाना 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। सर्दियों में आपको बता दूं, लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। इसके पीछे वजह होती है कि खून बहुत ज्यादा ठंडा होता है सर्दियों में, इसके चलते ब्लड प्रेशर का दबाव वगैरह बढ़ जाता है, और नतीजा स्ट्रोक हार्ट अटैक के मामले बड़े हुए देखने को मिलते हैं। ठंड बढ़ने पर शरीर में रक्त लाने ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लग जाती है ना, तो एक्सरसाइज करते रहें, अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप रखें। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में संपत्ति कर जमा कराने वालों को बड़ी राहत मिली है। महापौर के इस ऐलान से सैकड़ों लोगों को लाभ मिलने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुरियान का कहना है कि निगम ने आम माफी योजना शुरू की है, और इसके तहत रिहायशी संपत्ति मालिक वर्तमान वित्त वर्ष का संपत्ति कर जमा करा के पुराना सारा बकाया माफ कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यावसायिक संपत्ति में 3 साल का संपत्ति कर जमा कराने पर आपको 2004 से लेकर 18
2019 तक का कर माफ कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी ही राहत की बात है। वहीं देखिए क्रूज ड्रग केस के मामले में आर्यन खान को तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन उनके बाद मुनमुन धमोचा को भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि अभी भी अरबाज मर्चेंट सलाखों के पीछे ही है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब ई केवाईसी के जरिए भी अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खुलवाना आसान होगा। पीएफआरडीए की ओर से एक दो दिन पहले एक सर्कुलर जारी करके ये कहा गया कि अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने और इसको आसान बनाने के लिए अब सरकार ने कुछ और नई पहल की है। अब आप ऑनलाइन ही घर बैठे ही ई केवाईसी करवा करके अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस योजना में फॉर्म भरने के लिए, अकाउंट ओपन करने के लिए अब आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक खाता जाने की भी जरूरत नहीं होगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि अब जैविक खेती की तरफ रुख करें, खाद और कीटनाशकों से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। किसान भाई लोगों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट देखिए आप, इन राज्यों में अभी भी बादल बरसेंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में भले ही मौसम साफ रहेगा, लेकिन अगले 3 दिन तक कुछ दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा अलर्ट तो केरल राज्य को लेकर 3 नवंबर तक बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। तमिलनाडु में भी अगले 3 दिन बारिश हो सकती है। देखिए खबर, दिल्ली उत्तर प्रदेश में ठंड भी बढ़ने लगी है। दिवाली पर मौसम कैसा रहेगा, उसके साथ ही संपूर्ण भारत का आज 1 नवंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं रायल सीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, वहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर बड़ी खबर देखिए, महंगाई की मार आम आदमी पर बढ़ती जा रही है। लगातार आज 5वां दिन रहा जब पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर के महीने में 8 रुपए के लगभग पेट्रोल की रेटें बढ़ी थी और 8 रुपए 20 पैसे से भी ज्यादा डीजल की रेटें बढ़ी थी। गया जो महीना अक्टूबर था ना, उसमें। हालांकि अगर आप धनतेरस पर सोना वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खुशखबरी है, इस धनतेरस पर गोल्ड जरूर खरीद लें, क्योंकि दीपावली के बाद सोना 8,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स यानी कि बाजार के विशेषज्ञों का ये मानना है कि दिवाली के बाद सोने की रेटें बढ़ जाएगी, और अभी धनतेरस भी है कल, तो इस मौके पर जरूर कुछ न कुछ तो सभी खरीदते ही है। तो आप भी अगर खरीदना चाहते हैं ना गोल्ड, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अच्छा, कोरोना से संबंधित बड़ी खबर देखिए, कोविड की चेन को तोड़ने के लिए 7 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान 12,900 के लगभग ऑलमोस्ट 13,000 नए मामले देखे गए, जबकि 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी 1,52,000 के लगभग चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,58,400 के लगभग चल रहा है। वहीं देखिए डेंगू का माहौल भी बहुत ज्यादा चल रहा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार ने डेंगू और मलेरिया को महामारी एक्ट भी यदि सूचित कर दिया है। तो प्लीज आप भी मच्छरों से जितना हो सके बचाव करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, है ना। वहीं यूएस की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी दूतावास का कहना है कि 8 नवंबर से 30 लाख भारतीय अमेरिका जा सकेंगे, हालांकि उनके लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। वहीं देखिए जीका वायरस पर भी अपडेट आ रहा है कि घरों के अंदर एडीज इजिप्टी मच्छर पकड़ेगा मलेरिया विभाग, जांच के लिए सैंपल भी भेजा जाएगा दिल्ली। इस तरह की भी नई पहल चल रही है यूपी में। राजस्थान में भी देख सकते हैं डेंगू से हालात खराब चल रहे हैं, 593 मरीज पकड़े गए। जयपुर, कोटा, झालावाड़, करौली, अलवर में हालात बेकाबू हो रहे हैं। डेंगू के चलते 2 लोगों की जान चली गई, प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है डेंगू के चलते, है ना। वहीं दोस्तों सोना चांदी नहीं, बल्कि आप धनतेरस पर स्मार्ट टीवी से लेकर अमेजोन के धनतेरस स्टोर पर कई तरह के ऑफर्स का फायदा भी उठा सकते हैं। स्पेशली 2 नवंबर को ये धनतेरस स्टोर खत्म होगी, मतलब की अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के तहत ये ऑफर निकला हुआ है ना। तो अगर आप धनतेरस के मौके पर अपने घर पर कोई सामान, होम अप्लायंस वगैरह भी मंगाना चाहते हैं ना, तो 2 नवंबर तक आपके पास अच्छा मौका है। वहीं देखिए ICSE में टर्म 1 और टर्म 2 में पढ़ने होंगे एक ही विषय, नहीं मिलेगा विषय बदलने का मौका। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE की ओर से एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में इस तरह के बदलाव करके स्टूडेंट्स के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर आप डिटेल्स ज्यादा देख सकते हैं। वहीं देखिए टाटा की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, नौकरियां देगी, 100 नई डिजिटल ब्रांच भी शुरू करने जा रही है। युवाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। एक बड़ी ही दुख की बात देखिए, कल ही शरीर से जुड़े 2 जुड़वा भाइयों ने जहर खाकर जान दे दी। 2 जिसमें एक जान से मशहूर थे ये अपने एरिया में, छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर ये बच्चे रहा करते थे। 20 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। शिवराम और शिवनाथ इनका नाम है। ये एक ही कमरे में मृत पाए गए, जिए भी साथ और मौत भी इनको जुदा नहीं कर पाई, मरे भी साथ साथ। इनके आसपास के एरिया
इंडिया के लोग इनकी जिंदगी को लेकर बड़ी ही प्रेरणा लेते थे, मोटिवेशन लेते थे। अगर किसी की जिंदगी में कोई संघर्ष है तो वो शायद इन्हें देखकर अपने संघर्ष को भुला देता था। ऐसा माना जा रहा दोस्तों कि इन भाइयों ने खुदकुशी की है जहर खाकर। अब असल सच्चाई क्या है ये तो जांच टीम की पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। वहीं घर वालों का कहना है कि बीती रात इन भाइयों को तेज बुखार हुआ और सुबह जब घर वाले इनके कमरे में पहुंचे तो इन दोनों मृत मिले। खैर भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सब की यही दुआ और प्रार्थना है इनके लिए। देखिए दोस्तों शरीर के ये हालात होने के बावजूद भी ये 20 साल तक अपनी जिंदगी जिए मायने रखता है। अगर आपके भी जिंदगी में कोई दुख दर्द है तो शायद इनकी जिंदगी को देखकर आप अपना दर्द भुला देंगे। वहीं देश के विकास पर अच्छी खबर देखिए, बिहार में भी सड़कों का जाल फैलेगा। 1530 किलोमीटर लंबे 7 नए हाईवे राज्य की तस्वीर बदलने के लिए तैयार होने जा रहे हैं, इस तरह की भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा देखिए, तालिबान ने दुनिया को खुली धमकी दी है, कहा कि अगर हमसे कोई खतरा नहीं चाहते तो अफगानिस्तान को जल्द जल्द मान्यता दे। वह देखिए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लग चुका है। दिवाली सहित इन पर्वों पर आप सिर्फ ग्रीन पटाखे जला पाएंगे लेकिन दूसरे पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। अच्छा गाड़ियों की वेटिंग पीरियड 6 से 12 महीने तक बढ़ चुकी है क्योंकि अभी त्योहारी माहौल के दौरान गाड़ियां ज्यादा लोगों ने खरीदी ना, तो इसी के कारण कंपनियां डिलीवर नहीं कर पा रही है, प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा और इधर सेमीकंडक्टर चिप वगैरह की भी कमी चल रही है तो ये माहौल चल रहा है। वह देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा फैसला है, स्कूलों में बच्चों को गाना होगा रघुपति राघव राजा राम वाला नियमित गान। वही देखिए बड़ी दुख की बात है, उत्तराखंड में कल ही एक बड़ा बस हादसा देखने को मिला। देहरादून में 300 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी, 13 लोगों की जान चली गई। माना जा रहा है कि ये हादसे के पीछे ओवरलोडिंग यानी कि बस में ज्यादा सवारियों को बिठाए जाना भी एक कारण हो सकता है। हालांकि मारे गए परिजनों को केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की गई है। अच्छा साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने वालों को मंथली पास बनवाने की भी जरूरत नहीं है, डेली टिकट से बात बन जाएगी, आपको कुछ शर्तें और नियम मानने पड़ेंगे। अच्छा अपडेट देखिए, सरकार के इस फैसले का असर देखने को मिल रहा है, खाने के इस तेल के भाव में गिरावट आई है। दरअसल सूरजमुखी पामोलिन के मुकाबले सूरजमुखी का जो तेल है वो 5 रुपए प्रति किलो तक सस्ता हो गया। हालांकि आपको बताओ हाल ही में सरकार ने कुछ फैसले लिए थे इनके स्टॉक वगैरह को नियंत्रित करने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए, तो उम्मीद है कि इसके चलते जल्द ही हमें और खाने के तेल मूंगफली सरसों सोयाबीन वगैरह के तेलों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में भी कटौती की थी हाल ही में गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा तो है ना। वही देखिए दिवाली पर कम रहेगा आतिशबाजी का शोर, NCR में शामिल 14 जिलों में प्रतिबंध और कम प्रदूषित एरिया में आपको 2 घंटे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। कौन कौन से एरियाज में डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं एक अच्छी खबर आ रही है कि जायडस कैडिला ने अपनी कोविड वैक्सीन की कीमत 265 रुपए करने पर एग्री हो गई है, अंतिम फैसला लेना बाकी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप इस सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं हमारी DLS न्यूज की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब कमेंट में कि दोस्तों ऐसे किसी जीव जानवर का नाम बताइए जो अपने बच्चे को जन्म के बाद भी पेट में थैली में ही रखता है। कमेंट करके बताइए, जो लोग इसका सही जवाब देंगे ना वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज की ओर से जीत सकते हैं एक स्मार्ट वॉच। हाथ के बांधने की डिजिटल वॉच जीतने का आपको मौका मिलेगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। हैप्पी धनतेरस इन एडवांस, आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।